कोरोना की दूसरी लहर ने हालात को कुछ कुछ पहले जैसा ही बनाने का काम किया है। एक बार फिर अब रात में लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर राजधानी लखनऊ समेत कुल मिलाकर 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद अब सिर्फ इमरजेंसी में ही लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे और ऐसा कोरोना के संक्रमण को काबू करने के लिए किया जा रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू के दौरान कैसा माहौल रहा, किन लोगों ने नाइट कर्फ्यू का पालन किया, कौन लापरवाह बना रहा, ये ग्राउंड जीरो से एबीपी गंगा संवाददाताओं की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले किस जिले में कितने बजे और कब कब तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। 16 अप्रैल तक 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रयागराज में 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है, रात 10 बजे से लेकर 8 बजे सुबह। कानपुर में भी कोरोना कर्फ्यू है रात में, 30 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। वाराणसी में 15 अप्रैल तक रहेगा, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। मेरठ की बात करें तो यहां भी 18 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा रात में, 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक ये कर्फ्यू है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 17 अप्रैल तक ये कर्फ्यू रहेगा, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। महामारी का महाअटैक, उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर, शहर शहर वायरस का कहर, 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। अब घर में रहना होगा क्या, नहीं तो कोरोना कर देगा अटैक। पूरा देश कोरोना के वायरस की जद में आ चुका। बीमारी का साया पूरे देश पर मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,789 केस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की मौत हो चुकी है। खतरे की घंटी बज रही है, आधे हिंदुस्तान पर लॉकडाउन का साया है। वही उत्तर प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बरेली शामिल है। यहां अब रात को अगर आप घर से निकले तो दोबारा घर नहीं जा पाएंगे। देश में लगातार एक बार फिर कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर। हम इस समय आपको दिखाते हैं कि ये रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा है जहां से जो यात्री आते हैं यहां से अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सैनिटाइजर मशीन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन यहाँ पर लगी हुई है। अगर इसे देखें तो देखिए इसमें सैनिटाइजर मशीन तो यहाँ पर है लेकिन सैनिटाइजर यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसे रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर है। वहीं जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि यहाँ सैनिटाइजर की यहाँ क्या स्थिति है, आप कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी जी। मैडम ये कब से यहाँ पर, मतलब कब से इसमें सैनिटाइजर नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। एक मिनट आप पहले रोक, पहले मैं आपको ही बोल रही हूँ, कैमरा रोक लीजिए, मैं अपने डीओ को बुला। देखिए इन्हें नहीं पता, इनका कहना है कि इन्हें नहीं पता यहाँ पर जो ये लोग जा रहे हैं इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इसमें सैनिटाइजर मिला आपको? नहीं 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 मिला जी, बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ सुबह आए तभी नहीं देखे, मिला नहीं, और इस समय आ रहे हैं पेपर देखे तभी नहीं मिला। राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लगाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग अभी से लगा रही है, तैयारी कर रही है जिस तरह से जो रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा उसको लेकर जो है पुलिस
अभी से मुस्तैद है, तैयारियां कर रही है। जिस तरह से जो है कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे थे, कोविड ने एक बार फिर से जो है यू टर्न लिया था, जिसको लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बता दें कि इस नाइट कर्फ्यू में जितने भी इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी और चिकित्सक सेवाएं रहेंगी उनको जो है छूट दी गई है। और लगातार जिस तरह से जो कोविड के मामले बढ़े हैं उसके देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वाराणसी में आज रात 9 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगेगा। और आपको बता दें कि इस रात्रि कर्फ्यू में आम इंसान को बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। हालांकि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, इसके साथ ही जो वाहन है, जो सामान ले जाने वाले वाहन हैं, उनके लिए छूट होगी। लेकिन आम आदमी बिना वजह के शहर में सड़क पर घूमता दिखाई देगा तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और जो नियम है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सभी निजी और सरकारी सेवाएं पूरी तरह से अब प्रतिबंधित, कहें कि ये खुलेंगे नहीं। और ये खास तौर पे अगर बात करें तो विद्यालयों के लिए है। और आपको बता दें कि जो भी सड़क पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता दिखाई देगा प्रशासनिक कार्रवाई उस पर तय है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही अब पुलिसकर्मी मास्क की चेकिंग करना शुरू कर चुके हैं। बड़े चौराहे पर हम मौजूद हैं कानपुर शहर के, और यहाँ पर देखिए लोग जो निकल रहे हैं बड़े बेफिक्र होकर के निकल रहे हैं, और अगर बेफिक्र होकर निकल रहे हैं तो अब पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करती दिख रही है। देखिए आपको दिखाएं, देखिए पुलिसकर्मी जो है मास्क भी दे रहे हैं और चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कागज दिखाएं, देखिए बाकायदा पूरा चालान भरा जा रहा है। और ये अपने बच्चे के साथ बाहर निकले हुए थे, मास्क नहीं लगाए हुए थे, और बड़े चौराहे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सख्ती पुलिस ने अपने स्तर से करना शुरू कर दिया है, और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने साफ तौर पे कहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को पुलिस सख्ती के साथ पालन कराएगी, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। बेलगाम होते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस जब तक सख्ती नहीं दिखाएगी लोग नहीं मानेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8,490 नए केस सामने आए, जिसमें 2,369 केस अकेले लखनऊ से सामने आए। महाराष्ट्र में मुंबई, यूपी में लखनऊ कोरोना के विस्फोट का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। वैसे ही आपकी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई उसके बाद तो ये होना ही था। लेकिन गनीमत है कि अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरे तो पूरे दिन का लॉकडाउन लगते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 24 घंटे में 1,25,000 के पार, ये इस वक्त देश का हाल है। और उसी हिसाब से राज्यवार स्थिति भी तकरीबन ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब आइए और गहराई से आपको जानकारी देते हैं इस नाइट कर्फ्यू के बारे में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए सबसे पहले हम आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लखनऊ में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 2,369 नए मामले सामने आए, जबकि 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। और ऐसे में सख्ती बरतना यहां पर बहुत जरूरी हो गया। इसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और मंडल आयुक्त ने खुद कमान संभाली और लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करने और साथ साथ कोविड-19 नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया। उनसे एबीपी गंगा संवाददाता ने बात की, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले राजधानी में नाइट कर्फ्यू को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की यह रिपोर्ट आप देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू का पालन वहां पर करवाया गया। लखनऊ में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और यहां पर नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। हम इस समय शहर का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके में हैं, जहां पर नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। और हम आपको अपने कैमरे से नाइट कर्फ्यू की हकीकत दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो गई हैं। और इस समय हम अपने कैमरे के जरिए आपको हजरतगंज मार्केट का नज़ारा दिखा रहे हैं। कभी ये मार्केट सामान्य दिनों में रात भर गुलजार रहने वाली मार्केट हुआ करती थी, दुकानों के बाहर भीड़ लगी रहती थी, लोग यहाँ पर घूमने भी आते थे, विंडो शॉपिंग देर रात तक लोग करते थे, और फुटपाथ पर तमाम ऐसी दुकानें सस्ती थीं जिसमें लोग खाना पीना इंजॉय करते थे। और आप देख रहे हैं कि लखनऊ की ये हमेशा गुलजार रहने वाली मार्केट सन्नाटे में डूबी हुई है। इक्का दुक्का आदमियों के अलावा यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सारी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको यात्रा करनी है या मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अस्पताल जाना है,
उनको पुलिस रोक रही है, लेकिन जो जरूरी कागजात हैं वो दिखाने पर पुलिस उनको जाने दे रही है। अब हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे हैं, जो शहर का सबसे बड़ा चौराहा है। यहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद है, जो कमिश्नर हैं पुलिस के डीके ठाकुर और लखनऊ मंडल के जो कमिश्नर हैं रंजन कुमार, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए हर तरह से खुद खड़े होकर सारी प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहे हैं। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये हजरतगंज की पुलिस है, जिस तरह से बैरिकेटिंग करके रास्ते बंद किए हुए हैं रात के, उससे ये साफ है कि कोरोना का संक्रमण किसी न किसी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सारे नज़ारे अभी आपने देखे कि पुलिस प्रशासन कितनी तेजी से काम कर रहा है और हर तरह से मुस्तैद है कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो नाइट कर्फ्यू को लेकर राजधानी लखनऊ के पॉश और बिजी इलाके हजरतगंज की रिपोर्ट आपने देखी। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जिनके कंधों पर इस नियम को लागू करवाने की जिम्मेदारी है, यानी कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और मंडल कमिश्नर रंजन कुमार। लखनऊ में कल यानी कि 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। अब इसकी क्या रूपरेखा होगी, नाइट कर्फ्यू में जो नियम लागू होंगे उसके बाद दिन में क्या सख्ती बरती जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने उनसे बातचीत की। लखनऊ में कोरोना का आंकड़ा चौंकाने वाला ही नहीं, डराने वाला भी है, और जो तैयारियां की गई हैं उसके लिए हमारे पास पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और मंडल कमिश्नर रंजन कुमार जी मौजूद हैं। हम दोनों से जानेंगे कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने के लिए रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, पुलिस या प्रशासन कोई अलग तैयारी नहीं कर रहा है, हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पुलिस और प्रशासन दोनों साथ मिलकर इसको चेकिंग कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू में हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग बाहर ना निकले, अनावश्यक भीड़ ना करें। जो एसेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, या बाहरी शहरों से लोग आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं या बाय एयर आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, उन्हीं को आने की सुविधा है। दिन में प्रशासन और पुलिस मिल करके नगर निगम और LDA और पुलिस की ज्वाइंट टीम बनेगी और करीब 110 वार्ड पूरे शहर के 110 वार्ड में ये टीम मिल करके जैसे सुनिश्चित करेगी सब लोग मास्क पहने। यदि कोई मास्क पहनने वाले नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ जैसे चालान की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कितने चालान हुए हैं? अभी तक प्रतिदिन मैं देख रहा था कि 1 तारीख से करीब 3000 चालान हो रहा था प्रतिदिन। अभी जो रात का नाइट कर्फ्यू है, इसके अलावा दिन में भी कोई खास तैयारियां हैं क्या? दिन की खास तैयारी वही दो पॉइंट पर मारी जाएगी। एक तो पॉइंट एक, सब लोग मास्क पहने, और दूसरी की अनावश्यक भीड़ कहीं इकट्ठी ना करें। मंडल कमिश्नर रंजन कुमार जी से हम पूछेंगे कि उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, कई टीमें भी बनाई गई हैं। रंजन कुमार जी हमें बताएंगे कि क्या तैयारियां की गई हैं। सर, तो इसमें हम लोग कोविड मैनेजमेंट के लिए इस परिस्थिति में हम लोगों ने पूरा होलिस्टिक एक प्लान बनाया है, जिसमें कि मुख्य रूप से ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों के बीच आए तो हम लोग सारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं उसका यूज कर रहे हैं। इनके 112 की गाड़ियाँ वो अनाउंसमेंट कर रही है, सुबह नगर निगम की गाड़ियाँ कर रही है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे हम लोग मैसेज दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप से लेके जूम से भी RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके लिए अलग सभी जगह हम लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं सबसे संकल्पत भरा रहे हैं कि वो ना केवल अपना मास्क के लिए व्यवहार चेंज करें बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपने परिवार में भी करें। तो ये थी पुलिस और प्रशासन की एक साथ तैयारियां। पुलिस मास्क बांट रही है, प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है, सारे विभाग ज्वाइंट रूप से अभियान चला रहे हैं कोरोना संक्रमण से निपटने का, मास्क वितरण के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान करना, सिविल डिफेंस की मदद लेना, RWA की मदद लेना, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं लखनऊ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए आपको यूपी में बहुत तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े बताते हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,490 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 39 संक्रमित लोगों की जान गई है। लखनऊ में हालात बिल्कुल बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के 2,369 मामले अकेले लखनऊ में आए हैं और 11 की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, ज्यादा प्रभावित जिलों में नोडल अधिकारी भेजे गए हैं। 15 दिनों तक जिलों में ही रहेंगे नोडल अधिकारी। सीएम कार्यालय से प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। और आप साथ में यह भी जान लीजिए कि कौन कहां का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विपिन कुमार जैन लखनऊ के नोडल अधिकारी हैं, ऐसे ही अंजनी कुमार सिंह कानपुर के नोडल अधिकारी हैं, आलोक सिंह अपर निदेशक सूडा प्रयागराज के नोडल अधिकारी हैं, अमनदीप हुली गाजियाबाद के नोडल अधिकारी, रविंद्र सिंह नोएडा के, संदीप कुमार वाराणसी के, प्रवीण मिश्रा मेरठ के, पवन अग्रवाल गोरखपुर के और अनिल कुमार सिंह झांसी के नोडल अधिकारी, ऐसे ही अरविंद चौहान आगरा, मनोज कुमार सहारनपुर, मनोज कुमार ही बरेली के, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी मुरादाबाद के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। आपको बता दें कि गुरुवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव जरूरी हैं। एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है, शासन व्यवस्था में सुधार जरूरी है, लोग लापरवाह दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाइट कर्फ्यू की वकालत करते हुए कहा कि इसकी जगह अब हमें कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लोगों में संदेश जाएगा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करें। पीएम ने यह भी कहा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल टीकाकरण उत्सव मनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें, हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए हैं, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा। जानते हैं अलग अलग जिलों का कोरोना अपडेट। बिल्कुल, और सबसे पहले बात बरेली की करते हैं। बड़ी खबर है, बरेली में आज 110 कोरोना पेशेंट्स मिले हैं, नए मरीज मिले हैं। बरेली शहर में, हर शहर में ग्राफ ऊपर जाता हुआ, बरेली में भी ऐसी स्थिति, 110 नए मरीज बरेली में नजर आए पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा लखनऊ में 2000 से भी ज्यादा मरीज मिले पिछले 24 घंटे में। बरेली में 24 घंटे में 110 नए मामले, कोरोना का प्रकोप जारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। बरेली की कहानी, 24 घंटे में 110 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और कोरोना से जुड़ी हुई बेहद चिंताजनक खबर, दिल्ली लखनऊ के बाद अब सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 37 में से 32 डॉक्टर होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 5 डॉक्टर अस्पताल में एडमिट हैं। दिल्ली में कल बीते 24 घंटे में 7000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। लखनऊ के केजीएमयू के बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 32 होम आइसोलेशन में हैं, तो 5 को एडमिट भी करना पड़ा है।
तो किस तरीके से कोरोना का यह आंकड़ा बढ़ रहा है और अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल स्टाफ को भी ये संक्रमित कर रहा है। केजीएमयू लखनऊ के बाद अब दिल्ली का बड़ा सरगंगाराम अस्पताल 37 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कुल मिलाकर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स इसकी चपेट में आ रहे हैं, इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज भी ली है। जी हाँ बिल्कुल, और ये अपने आप में एक चिंता बढ़ाने वाली बात है।